हेलो फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स आज हम कक्षा दस के विज्ञान का पेपर देखेंगे ये पेपर प्रत्येक स्कूल में पूछा जा रहा है तो फ्रेंड्स आप यदि विज्ञान का पेपर अभी तक नहीं देखे हैं तो इसका संपूर्ण हल आप देख के आप प्री बोर्ड का परीक्षा देने जरूर जाइएगा यहाँ पे इसके सभी प्रश्न कैसे आ रहे हैं और किस प्रकार के प्रश्न आपके बोर्ड के एग्ज़ाम हो चाहे प्री बोर्ड का एग्ज़ाम हो उसमें किस प्रकार का प्रश्न आता है आप सभी को बताने वाले हैं तो आप वीडियो का लास्ट तक जरूर देखिएगा देखिए फ्रेंड्स आपको विज्ञान का पेपर हल करने के लिए आपको जो समय मिलता है तीन घंटा पंद्रह मिनट का समय मिलेगा और ये पूर्णांक रहता है टोटल सत्तर नंबर का रहेगा ठीक है यहाँ पे इसके कुछ निर्देश दिए गए हैं यहाँ पे इस निर्देश के बारे में आप सभी को प्रत्येक पेपर में बता चुके हैं यही सब निर्देश है आपको क्या रहेगा कि पंद्रह मिनट प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए समय मिलता है और दो खंड खंड आ और खंड ब रहेगा खंड आ में आपके बहुविकल्पी प्रश्न रहते हैं जिसे ओ एम आर सीट पर हल करना रहता है और खंड ब में वणात्मक प्रश्न रहते हैं यही सब इसके कुछ निर्देश दिए गए हैं इसको आप पढ़ लीजिएगा चलिए सीधे प्रश्न को हल करते हैं देखिए यहाँ पर खंड अ है ठीक है जिसमें आपके उपखंड क स्टार्ट होता है जिसमें आपके भौतिक विज्ञान के सभी प्रश्न रहेंगे प्रत्येक प्रश्न एक एक नंबर का होने वाला है पहला प्रश्न देखिए आपका है कि प्रतिरोध के समांतर क्रम में संयोजन में समान होता है यानी कि जो प्रतिरोध होता है उसको आप समांतर क्रम में जोड़ देंगे यानी इस प्रकार से आप प्रतिरोध को जोड़ते हैं देखिए आप पूरा डिटेल में बता रहे हैं इसको आप ज़रूर समझ लीजिए इस प्रश्न को देखिए इस प्रकार से यदि समांतर क्रम में प्रतिरोध है इसमें आपका क्या समान होता है तो देखिए समांतर प्रतिरोध में जो धारा ये जाता है ना आपका ये धारा मान लीजिए जा रहा है आपका तो ये धारा कई भागों में विभक्त हो जाता है जैसे इसमें आई वन हो जाएगा इसमें आई टू हो जाएगा और इसमें आई थ्री हो जाएगा तो इस प्रकार धारा क्या हो जाता है अलग अलग हो जाता है लेकिन जब इसको आप किसी बैटरी के साथ जोड़ेंगे तो इसमें जो वोल्टेज होता है वोल्टेज तो जो होगा सबके एक रास में एक समान होता है यानी कि इसमें भी विभवांतर क्या होगा एक समान होगा तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका ख वाला हो जाएगा ठीक है लेकिन इसी में आपको समांतर क्रम में क्या संयोजन है हो समान होता है तो विभवांतर क्या है समान है लेकिन धारा अलग अलग है यहाँ पे एक प्रश्न और आपको बनता है कि जैसे प्रतिरोध को हम सीरीज में जोड़ दें यानी श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं इस समय आपका क्या होता है तो देखिए इसमें आपका जो धारा होता है प्रत्येक प्रतिरोध में जैसे यहाँ मान लीजिए आर वन है आर टू है आर थ्री है प्रतिरोध इसमें धारा का मान एक समान होता है लेकिन विभवानता यानी वोल्टेज जो आता है सबके एक रास अलग अलग होता है ना देखिए वोल्टेज अलग अलग होगा धारा समान होगा तो इस प्रश्न को भी साथ में आप याद रखिएगा देखिए पहले का आपका सही जो आप खबला ऑप्शन सही होगा ठीक है अगला प्रश्न देखिए दूसरा नंबर का कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है ठीक है देखिए यहाँ पे दो तीन पॉइंट पूछते हैं आपसे प्रत्येक बार आपको बताते रहते हैं जैसे आपसे अपवर्तनांक पूछ लेगा अपवर्तनांक ठीक है अपवर्तनांक पूछ लिया विचलन पूछ लेगा विचलन इसके अलावा प्रकीर्णन पूछ लेगा आपसे ठीक है प्रकरण तो इसमें देखिए आप इन तीनों को याद रखिएगा जो अधिक होता है अधिक किसका होता है अधिक बैगनी का ये तीनों जो होता है आपसे तीनों में कोई आप से कोई प्रश्न पूछे आपसे अपवर्तनांक विचलन प्रक्रिया तीनों बैगनिक अधिक होता है लेकिन कम पूछेगा तो लाल का क्या होता है लाल का कम होता है यानी कि अपवर्तनांक विचलन प्रक्रिया सबसे अधिक बैगनिक का होता है और कम किसका होता है तो लाल का तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा आपका कि कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है तो का अधिकतम होता है तो इस प्रश्न का सही जवाब वाला ऑप्शन आपका सही होगा ठीक है अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे तीसरा नंबर का प्रश्न देखिए आप कि मनुष्य की आँख में प्रस्तुत प्रतिबिंब बनता है यानी कि प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है कार्निया पर आयरिस पर पुतली पर रेटिना पर इस देखिए मनुष्य की, की आँख में जो प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर बनता है तो इसका सही जवाब घव वाला ऑप्शन सही हो जाएगा ठीक है देखिए आप मनुष्य के आँख से, से संबंधित निकट दृष्टि दोष दोष ये जरूर पढ़ के जाइएगा आपके पेपर में हंड्रेड परसेंटेज ये सवाल आने वाला है ठीक है अब देखिए अगला नंबर का चौथा नंबर का सवाल देखिए आपका सवाल क्या है कि एक मींस से आर वन व आर टू प्रतिरोधों में दो समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं यदि इनमें प्रवाहित धारा क्रमश आई वन व आई टू हो एम प्रति सेकेंड उत्पन्न उष्मा क्रम से यच वन व यच टू हो तो इसमें से ऑप्शन बताना है कि कौन सा सही ऑप्शन है ठीक है यहाँ पे ध्यान दीजिए इसे किस क्रम में जोड़ा गया है समांतर क्रम में जोड़ा गया है तो समांतर क्रम में आपका क्या होता है धारा अलग अलग होता है तो देखिए आपका उष्मा का फार्मूला क्या होता है ये स्क्वल टू आपका फार्मूला होता है आई स्क्वा आर टी होता है ठीक है यहाँ पे जो समय दिया है प्रति सेकंड प्रति सेकंड मतलब एक दिया है यहाँ पे आपको क्या करना है कि आर वन दिया आर टू दिया आई वन आई टू दिया है तो इसमें उत्पन्न उष्मा ज्ञात करना है यानी कि एच वन अपान एच टू तो फार्मूला क्या होच वन अपन एच टू तो आई वन स्क्वायर आर वन टी होगा अपन आई टू स्क्वायर आर टू टी होगा तो देखिए टी से कट जाएगा यहाँ से एच वन अपन क्या हो जाएगा आपका देखिए एच वन अपान एच टू बराबर यहाँ पे हो जाएगा आई वन अपान आई टू यानी स्पेस स्क्वायर स्पेस स्क्वायर आर वन अपान आर टू देखिये यहाँ पे आपको जो संबंध मिला, मिला है किसमें मिल रहा है आई वन अपन आई टू का स्क्वायर मिल रहा है यहाँ पे देखिए आई वन का स्क्वायर आई टू का स्क्वायर इसका सही जवाब ग वाला होगा इसके अलावा देखेंगे तो आर वन अपन आर टू है तो आर वन अपन आर टू ये भी दिया है तो ये भी प्रश्न का आंसर सही हो सकता है लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा उपयुक्त जो आंसर होगा ग वाला आप ऑप्शन सही लगाइएगा ठीक है तो इस प्रश्न का सही जवाब ग वाला आप आंसर जरूर लगाइएगा तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि इसका आंसर कैसे आ रहा है अगला देखिए पांचवा नंबर का आपका प्रश्न क्या है कि परिवर्तित परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र के कारण किसी चालक में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा की दिशा आकलन निम्नलिखित किस नियम से किया जाता है यहाँ पर प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करना है तो ऑप्शन देखिए दाएं हाथ के नियम से ज्ञात करेंगे ओम के नियम से या फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से या फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से तो उत्पन्न प्रेरित तो विद्युत धारा की जो दिशा होता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के द्वारा ज्ञात किया जाता है इसका सही जवाब ग वाला ऑप्शन सही होगा ठीक है इसके अलावा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के द्वारा विद्युत वाहक बल की दिशा विद्युत देखिए विद्युत वाहक बल की दिशा ज्ञात करना होगा तो किसान करेंगे फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के द्वारा और फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के द्वारा क्या ज्ञात करेंगे प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करेंगे तो इस प्रश्न का सही जवाब ग वाला ऑप्शन सही होगा अगला देखिए छठवां नंबर का चुंबकीय बल रेखाएं होती है देखिए सदैव समांतर होती है बात सही है कि चुंबकीय बल रेखाएं सदैव समांतर होती है एक बिंदु पर काटती है कभी नहीं काटती है एक दूसरे को कभी नहीं काटती है तो ये भी बात सही है परस्पर काटती है ये भी गलत है देखिए इस दोनों ऑप्शन सही है सदैव चुंबकीय बल रेखाएं सदैव समांतर होती है एक दूसरे को कभी नहीं काटती है लेकिन इन दोनों क और ग में सबसे ज़्यादा सटीक बैठेगा आपका ग वाला ऑप्शन कि एक दूसरे को जो चुंबकीय बल रेखाएं कभी नहीं काटती है तो इस प्रश्न का सही जो आप वाला ऑप्शन सही लगेगा देखिए दोनों ऑप्शन सही है लेकिन इसमें सबसे ज्यादा उपयुक्त जो ऑप्शन सही है ग वाला है इसको सही लगाइएगा ना तो चुंबकीय बल रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटती है चलिए अगले नंबर के प्रश्नों को देखते हैं देखिए अगला नंबर का आपका सवाल क्या है सातवां नंबर का कि उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक ध्यान कि वास्तविक उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को रखना चाहिए ना तो देखिए आपका उत्तल लेंस जैसे ये होता है आपका ये उत्तल लेंस हुआ ठीक तो वह होता है प्रकाशिक केंद्र ये होता है आपका फोकस ये होता है टू ईयर ठीक है तो आपको वस्तु के द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनाना है वास्तविक बनाना है उल्टा बनाना है और बड़ा देखिए बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए आपको वस्तु को फोकस पर रखना पड़ेगा कहाँ पे, पड़े। कहा पे यदि वस्तु को फोकस पर रखते हैं तो आपको प्रतिबिंब वास्तविक बनता है उल्टा बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है तो आपको बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ पर रखना पड़ेगा मुख्य फोकस पर रखना पड़ेगा कहाँ पे मुख्य फोकस पर देखिए लेंस के फोकस पर लेंस से टू एफ दूरी पर टू एफ दूरी पर नहीं रखेंगे लेंस यफ़ और टू एफ के बीच में भी नहीं रखना है टू एफ से अनंत के बीच में ये ऑप्शन नहीं यानी कि आपको बड़ा प्रतिबिंब बनाना है तो लेंस को कहाँ पर रखना पड़ेगा लेंस को फोकस पर रखना पड़ेगा तो इसका सही जवाब गो वाला ऑप्शन सही हो जाएगा ठीक है अब देखिए यहाँ से उपखंड ख स्टार्ट होता है जिसमें आपको रासायनिक विज्ञान से संबंधित सभी सवाल हैं देखिए यहाँ पे आठवां नंबर का देखिए टू एफ ई सी एल थ्री प्लस टू एच टू ओ प्लस यहाँ पे वाई यानी कि वाई का मान आपको ज्ञात करना होगा है टू एफ ई सी एल टू प्लस एच टू एस फोर टू एच सी एल रासायनिक अभिक्रिया में वाई का मान यानी कि वाई के, के स्थान पे क्या होना चाहिए अब देखिए जब इस प्रकार के आपको प्रश्न पूछेगा तो बहुत ज़्यादा सिंपल तरीका से यहाँ से इसको आंसर निकालते हैं देखिए कैसे निकालेंगे देखिए यहाँ पे यफ़ी है यहाँ पे यफ़ी दू गो यफी है तो दू गो यफी इधर है यहाँ पे सी एल थ्री यानी कि देखिए तीन यहाँ पे तीन दुना के छः गो सी एल है कितना सी एल है छः इधर सी एल गिन लीजिए कितने आए थे देखिए दो दुना के चार और दो यहाँ पे थे कुल टोटल छः गो सी एल मतलब कुल है इसके अलावा हाइड्रोजन के देखिए तो दोनों दू के चार हाइड्रोजन यहाँ पे है इधर हाइड्रोजन देखिए दो यहाँ पे हाइड्रोजन है दो यहाँ पे तो चार हाइड्रोजन हो गया अब यहाँ पे ऑक्सीजन देखिए ऑक्सीजन कितने है दो है यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो गया चार ऑक्सीजन हो गया ठीक है यहाँ पे कितने ऑक्सीजन हो रहे हैं चार और इसमें देखिए कहीं सल्फर है देखिए इस साइड आपका सल्फर दिया है लेकिन इस साइड आपका सल्फर नहीं दिया है तो इसका मतलब इसमें तो पहले नंबर सल्फर होगा तो ऑप्शन में देखिए सभी जगह सल्फर है लेकिन इसमें ये वाला ऑप्शन तो हो नहीं सकता है अब देखिए इसके साथ भी सल्फर है इसके साथ भी सल्फर है लेकिन यहाँ पे यस ओ टू है यहाँ पे दो ऑक्सी कितने ऑक्सीजन चार है लेकिन इधर पे दो ऑक्सीजन है दो ऑक्सीजन यहाँ पे चाहिए किसके साथ दो ऑक्सीजन है ओ के साथ है इसका मतलब वाई के स्थान पर क्या भरेंगे यस yes, ओ भरेंगे यश yes, ओ भर देंगे तो आपका देखिए सल्फर इधर है तो एक सल्फर भी मिल जाएगा चार ऑक्सीजन देखिए दो इधर ऑक्सीजन है दो चार ऑक्सीजन हुआ चार ऑक्सीजन यानी कि ये या संतुलित रासायनिक समीकरण आपका हो गया तो के स्थान पे आपको क्या लेना पड़ेगा यस ओ टू लेना पड़ेगा तब जाके ये रासायनिक समीकरण संतुलित होगा इसका सही जवाब ग वाला ऑप्शन सही होगा तो जैसे बताएं इस प्रकार से यदि कभी भी प्रश्न आपसे पूछता है तो इसी प्रकार से आप लगाइएगा कभी भी प्रश्न आपसे गलती नहीं होगा ठीक है अगला देखिए नववा नंबर का सवाल क्या है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया में परस्पर मिलाया जाता है यानी उदासीक अभिक्रिया में किसको किसको आपस में मिलाया जाता है तो ऑप्शन देखिए अम्ल एवं क्षार को मिलाया जाता है छार एव छारी लवण लवड़ को मिलाया जाता है अम्ल एवं लवड़ को मिलाया जाता है या अम्ल या जल को मिलाया जाता है तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जब अम्ल यहाँ पे ध्यान दीजिए अभी बताते देखिए अम्ल और जल को आपस में अम्ल और क्षार को ना देखिए अम्ल और क्षार को परस्पर अभिक्रिया क्रिया कराते हैं तो इसके द्वारा आपको क्या बनता है कि एक लवण बनता है और एक जल बनता है ठीक है लवण और जब जब लवड़ और जब जल बनता है तब इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं इसका मतलब हुआ कि उदासीनीकरण अभिक्रिया में आपको परस्पर क्या मिलाना पड़ता है था? उदासीनीकरण अभिक्रिया में आपको अम्ल और क्षार मिलाना पड़ेगा इसका सही जवाब क्या होगा क वाला सही ऑप्शन हो जाएगा क्या होगा क वाला कि अम्ल और क्षार को परस्पर मिलाने से लवण और जब जल मिल बनता है तो इसी अभिक्रिया को क्या, क्या बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क वाला ऑप्शन सही हो जाएगा ठीक है समझ में आ गया होगा ठीक है अब देखिए अगला नंबर का प्रश्न क्या है आपका दसवां नंबर का ठीक है देखिए मैट में मुख्यतः होता है प्रश्न है आपका ऑप्शन को ध्यान से पड़िएगा यस होगा सी यू टू एस होगा या सी यू टू एस एफ ई एस होगा या सी यू टू एस एफ ई टू एस थ्री होगा यहाँ पे देखिए जो मैट होता है ना तो मैट में आपका सी यू टू एस और यस होता है इसका सही जवाब ग्लोबल ऑप्शन सही होगा इस प्रश्न को ध्यान दीजिएगा अगला देखिए आपका ग्यारह नंबर का क्या है कि निम्नलिखित में से सजातीय युग्म होता है देखिए इस प्रश्न को तो आप जरूर तैयार कर लीजिएगा ये आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में भी आता है प्री बोर्ड में भी देखिए ये सवाल पूछा जा रहा है आपसे अब सजातीय युग्म होता है देखिए युग्म आप ऑप्शन को ध्यान से पढ़िएगा सजातीय युग पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है कि सी एच टू का अंतर होगा या सी टू एच फोर का अंतर होगा तो इस प्रकार से या सी थ्री एच सिक्स का अंतर होगा तो इस प्रकार से आपको यदि मिलता है दो युग्म जो देगा उसमें यदि आपको इस प्रकार से यदि कोई अंतर मिलता है तो सजाति युग्म होता है चलिए अब इसको देख लेते हैं देखिए यहाँ पर एक कार्बन है और यहाँ पे दो कार्बन है तो देखिए दो में से एक, एक घटाएंगे कार्बन तो एक तो कार्बन बचेगा लेकिन चार गो हाइड्रोजन यहाँ पे चार पांच हाइड्रोजन तो चार में से पांच गो हाइड्रोजन घटाएगा तो सिर्फ एक हाइड्रोजन बचेगा तो ये वाला ऑप्शन तो हो होगा नहीं आपका देखिए यहाँ पे देखिए कितने कार्बन एक कार्बन एक कार्बन यानी एक कार्बन से एक कार्बन घटाया देंगे तो एक भी कार्बन नहीं बचेगा जो कि आपको इसमें सजाती पद देखने के लिए एक कार्बन चाहिए लेकिन इसमें कोई कार्बन की संख्या नहीं बच रहा है तो इसमें से जी कट जाएगा ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता आपका यहाँ पे देखिए एक कार्बन यहाँ पे है जबकि यहाँ पे तीन कार्बन तीन में से एक कार्बन घटाएंगे तो दो कार्बन बचेगा यानी सी एच टू बचेगा इसके अलावा देखिए इधर हाइड्रोजन कितना हो जा रहा है तीन एक चार को हाइड्रोजन इस साइड हो रहा है आपका इधर हाइड्रोजन संख्या चार सात एक आठ यानी आठ को हाइड्रोजन इधर है इधर चार गो हाइड्रोजन आठ में चार घटाएंगे तो कितना हाइड्रोजन हो जाएगा तो आठ में चार चार हाइड्रोजन यानी कि सी एच फोर होगा जो कि आपको क्या सी टू एच फोर मिल रहा है हो हो क्या हो जाएगा आपका सजाती युग में हो जाएगा तो इसका सही जवाब क्या होगा ग वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा इसके अलावा इस ऑप्शन को भी चेक कर सकते हैं देखिए कैसे चेक करेंगे यहाँ पे एक कार्बन है यहाँ पे एक कार्बन एक कार्बन से एक कार्बन घटाएंगे तो यहाँ पे जीरो कार्बन यानी कि एक कार्बन भी नहीं बचेगा तो ये भी ऑप्शन सही नहीं होगा तो इसका सही जवाब कौन सा होगा आपको ग वाला ऑप्शन सही होगा ठीक है अगला देखिए बारह नंबर का कि निम्नलिखित में से एल्काइन है देखिए आपको एक होता है एल्केन एक होता है एल्कीन एक होता है एल्काइन अब एल्काइन का देखिए आपको सूत्र जब पता रहेगा तो इसमें से आप आसानी से निकाल सकते हैं देखिए एल्काइन का सूत्र होता है कि सी एन एस टू एन माइनस टू होता है या उनका मतलब कार्बन की संख्या अब देखिए टू एन माइनस टू यानी कि दो का कर गुणा करेंगे कार्बन की जितनी संख्या रहेगी उसमें दो का कर गुणा करेंगे दो घटा के देखेंगे तो देखिए यहाँ पे तीन दुना का छः छः दो आठ हो जा रहा है तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं देखिए चार दुना के आठ और दू जोड़ने पे दस हो रहा है ये भी ऑप्शन नहीं होगा यहाँ पे देखिए तीन दुना का छः डायरेक्ट छः हो जा रहा है तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा जबकि यहाँ पर देख लीजिए तीन दुना के तीन का दो में कूड़ा करेंगे छ होगा और छह में से दो घटाएंगे तो कितना हो रहा है चार हाइड्रोजन हो जा रहा है हो जा रहा है ना ये किस फार्मूला पे आ रहा है इस फार्मूले पे आ रहा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा एल्का सूत्र सी थ्री एच फोर होगा तो इसका सही जवाब आप घ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा ठीक है तो जैसे बता रहे इसी तरह प्रैक्टिस करके आप जाइए आपको बहुत अच्छे नंबर्स मिलेंगे ठीक है देखिए तेरा नंबर जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोग किया जाता है यानी कि जल को जीवाणु रहित यानी जीवाणु को मारने के लिए ना जल को शुद्ध करने के लिए कौन से इसमें पदार्थ मिलाते हैं जैसे धामन सोडा का प्रयोग करते हैं बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर या फि, फिटकरी या विरंजक चूड़ तो जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उसमें विरंजक चूड़ का प्रयोग करते हैं ठीक है ठीके? जिसे ब्लीचिंग ऑफ पाउडर के नाम से भी जाना जाता है इसका सही जो वाला ऑप्शन सही हो जाएगा देखिए विरंजक चूड़ को किस नाम से जाना जाना जाता है तो व्यंजक चूड़ को ब्लीचिंग पाउडर के नाम से भी जाना जाता है इसको भी ध्यान रखिएगा आप ठीक है अब देखिए आपका अगला प्रश्न क्या है उपखंड ग अब देखिए यहाँ पे ग जो है पादप में जाइलम का उत्तरदायी देखिए प्रश्न आपको कई बार बता चुके हैं यहाँ से आप ज ले लीजिए और यहाँ से आप ले लीजिए यहाँ इसका मतलब होगा जला मिलकर मिल, मिल जाएगा आपका जल बन जाएगा यानी कि जल का जो परिवहन करता है उसे क्या कहते हैं जाइलम यानी जाइलम के द्वारा किसका परिवहन होता है जल का यहाँ ऑप्शन में देख लीजिए जल का परिवहन किसके द्वारा है जाइलम के द्वारा इसका सही जो कौ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा इसके अलावा यहाँ पे याद रखिएगा भोजन का, का परिवहन जो होता है फ्लोएम के द्वारा होता है किसके द्वारा फ्लोएम के द्वारा जो होता है भोजन का परिवहन इसको भी आप याद रखिएगा ठीक है तो भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है तो फ्लोएम के द्वारा और जालम किसके लिए उत्तरदायी होता है जल के लिए ठीक है समझ में आ गया होगा ये प्रश्न अगला देखिए केवल न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन्स के बने होते हैं तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा न्यूक्लिक अम्ल दिया है और साथ में क्या दिया प्रोटीन यानी इन दोनों पदार्थों से मिलकर क्या बनता है जैसे जीवाणु का निर्माण होता है क्लोरोप्लास्ट होता है विषाणु होता है या प्रायंस होता है तो यहाँ पर न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन के बने होते हैं तो वो विषाणु होते हैं यानी विषाणु जो होते हैं न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन से बने होते हैं तो इसका सही जो आपका वाला ऑप्शन सही हो जाएगा इसके अलावा एक प्रश्न आपसे बार बार पूछता है प्रायंस प्रायंस जो होता है केवल प्रोटीन से बनता है खाली इसमें प्रायंस में क्या होता है प्रोटीन होता है यार प्रश्न में आपसे पूछता है कि केवल प्रोटीन से बना होता है तो प्रायंस लगाइएगा न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन से बनाया होता है तो ये विषाणु लगाइएगा ठीक है दोनों प्रश्न का आंसर आप ध्यान दीजिएगा ये बहुत प्रश्न पूछता है सोलावा नंबर देखिए निम्न में से कौन सा मादद माद मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है यानी कि तो माद मादा जनन तंत्र जो होता है उसका भाग नहीं है देखिए मादा में आपका अंडाशय भी देखने को मिलता है उसमें गर्भाशय भी है और उसमें डिम्बवाहिनियाँ भी है ये मादा में अंडाशय गर्भाशय और डिम्बवाहिनियाँ मिलता है लेकिन उसका शुक्रवाइका नहीं होता है तो मादा जनन तंत्र में क्या नहीं होता है तो शुक्रवाइका नहीं होता है अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा शुक्रवाइका जो पाया जाता है नर में पाया जाता है कहाँ में पाया जाता है तो नर में आपका शुक्रवाहिका पाया जाता है ठीक है अब देखिए अगला सत्रह नंबर का सवाल एक दिवशंकर का दर्श प्रारूप होता है तो देखिए यहाँ दिवशंकर का दर्श प्रारूप जो होता है नौ अनुपात तीन अनुपात तीन नौ अनुपात तीन अनुपात तीन अनुपात एक होता है जिसका सही जवाब गवल आप लगा लीजिएगा अगला देखिए अट्ठारह नंबर का कि गुणसूत्र किस पदार्थ के बने होते हैं यानी गुणसूत्र किन किन पदार्थों से मिलकर बने होते हैं वो बताना है प्रोटीन्स के बने होते हैं आर एन ए के बने होंगे डी एन ए के बने होंगे या डी एन ए प्रोटीन का देखिए गुणसूत्र जो होता है आपका डीएनए से और प्रोटीन ये दोनों पदार्थों से मिलकर आपका क्या बनता है गुणसूत्र का निर्माण होता है तो आप याद रखिएगा गुणसूत्र किस पदार्थ के बने होते हैं तो डी और प्रोटीन का बना होता है तो इस प्रश्न का सही जवाब है वाला याद रखिएगा अगला प्रश्न देखिए आपके सामने अगला क्या है उन्नीस नंबर का कि ए तथा एन ए का निर्माण होता है यानी ए का और यन ए डी पी टू एच का निर्माण कहाँ पे होता है ये बता रहा है ऑप्शन में देखिए माइक्रोकार है क्लोरोप्लास्ट है और इसके अलावा दे आप पेराक्सीम सोम्स है लाइसो सोम्स है तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा जो ए का निर्माण होगा या एन ए डी पी टू एच का निर्माण होता है वो होता है आपका माइट्रोकॉन्ट्रिया में तो इस प्रश्न का सही जो आपका वाला ऑप्शन सही हो जाएगा ए का निर्माण कहाँ पे होता है माइट्रोकॉन्ट्रिया में होता है ठीक है इसको याद रखिएगा अगला देखिए बीसवा नंबर का मुकुलन पाया जाता है तो देखिए मुकुलन जो कहाँ किस में पाया जाता है तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आपको बता देते हैं दोनों का नाम याद रखिएगा एक इष्ट होता है एक ईष्ट में मुकुलन पाया जाएगा या इसके अलावा एक हाइड्रा होता है यही बार बार प्रश्न आपके रिपीट होते रहते हैं हाइड्रा में ठीक है ये दो प्रश्न जो बताएं आपको ईस्ट हुआ हाइड्रा हुआ इन दोनों में से ऑप्शन आपको बार बार बोर्ड के एग्ज़ाम मिलते हैं या प्री बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं उसमें तो उसमें ध्यान दीजिएगा तो मुकुलन जो होता है ईस्ट में भी पाया जाता है और हाइड्रा में तो इस प्रश्न का सही जवाब खबला ऑप्शन सही होगा देखिए यहाँ पे जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न आपको पूरा डिटेल से हैं यदि आप पूरा वीडियो देखते हैं तो आपसे बोर्ड के एग्जाम में एक भी सवाल आपसे गलती नहीं होगा आप वीडियो को पूरा संपूर्ण देखा कीजिए ठीक है अब देखिए यहाँ पे आपको बता देते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न आपके बोर्ड का एग्ज़ाम हो चाहे प्री बोर्ड हो उसमें किस प्रकार के प्रश्न को आपको तैयार करके जाना है देखिए जिससे पहला सवाल है कि समांतर क्रम में जुड़े तीन प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध के लिए सूत्र का निगमन करना यदि करते हैं तो आपको चार नंबर मिलेगा देखिए समांतर क्रम में यदि प्रतिरोध को जोड़ते हैं तो उसका फार्मूला होता है वन अपान आर स्कल टू वन अपान आर वन प्लस वन अपान आर टू प्लस वन अपान आर थ्री तीन प्रतिरोध लेंगे तो ये होगा या डाट डाट ये समांतर क्रम यही आपको सिद्ध करना है आपको पहले प्रश्न में ही बताया है कि समांतर क्रम में आपका वोल्टेज क्या होता है समान होता है पता है ना इसके अलावा धारा क्या होता है अलग अलग होता है धारा अलग अलग होता है जबकि वोल्टेज समान होता है समांतर क्रम का फार्मूला ये होता है इसका निगमन करना है जरूर इस प्रश्न को अच्छे से पढ़ के जाइएगा ठीक है अगला देखिए लेंस के प्रथम फोकस एवं द्वितीय फोकस की परिभाषा दीजिए एक उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु के प्रतिबिंब बनाने का किरण आर ए खींच जबकि टू एफ पर रखी गई हो टोटल चार नंबर का है यह भी प्रश्न आपको कई बार बता चुके हैं इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा अगला प्रश्न देखिए मानव नेत्र के प्रमुख भागों का वर्णन कीजिए किसी वस्तु का मानव नेत्र पर प्रतिबिंब बनना किरण आर्य के द्वारा स्पष्ट कीजिए टोटल चार नंबर देखिए इस साल जो बोर्ड का एग्जाम आपका होने वाला है उसमें निकट दृष्टि दोष दूर दृष्टि दोष आपके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस टॉपिक को तो आप जरूर तैयार कर लीजिएगा ठीक है अगला देखिए आपका विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है देखिए क्या है कि एक मीटर लंबाई के एक धारावाहिक चालक में एक एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है दो न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर की चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है धारावाहिक चालक पर कार्यरत बल यानी कि आपको इस फार्मूला पी एफ स्कल टू बी आई एल साइन थीटा पे आपको इसको हल करना है इस वाले फार्मूला पे आपको इस सवाल को हल करना है फार्मूला बता दिए इस पे आप इस सवाल को हल कर लीजिएगा चालक के क्षेत्र के लंबवत लंबवत मतलब होता है कि जब थीटा का मान यहाँ पे कितना लेना पड़ेगा कि नब्बे अंश लीजिएगा चालक क्षेत्र के, के समानता यानी ठीटा का मान कितना लीजिएगा जीरो अंश लेकर आप हल कर लीजिएगा ठीक है इसके अलावा आपका देखिए कि चालक क्षेत्र की दिशा साठ अंश के कोड़ पर हो यानी थीटा का मान साठ अंश यानी कि जो यहाँ थीटा दिया है वहाँ पर ये मान रख के आप हल कर लीजिएगा ठीक है समझ में आ गया होगा इसी फार्मूला पर इस प्रश्न को हल कर लीजिएगा देखिए टोटल छः नंबर का प्रश्न है अगला अथवाम दिए देखिए क्या है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं एक लंबे सीधे धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की, की तीव्रता किन किन बातों पर निर्भर करता है चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता के नियम के बारे में आपको बताना है देखिए अथवा हम दिया दोनों प्रश्नों में से कोई एक प्रश्न आपको करना रहता है अगला देखिए कौन सा प्रश्न आपको तैयार करना है इस प्रश्नों को जितने भी बता रहे हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है ठीक है धावन सोडा बनाने की विधि एम दो उपयोग लिखिए टोटल दो नंबर का रहेगा प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में जैसे आप प्रतिस्थापन हो गया वियोजन अभिक्रिया हो गया ठीक है योगात्मक अभिक्रिया हो गया ये सभी अभिक्रियाओं का आप जरूर तैयार कर लीजिएगा अगला देखिए छठवां नंबर का निम्नलिखित यौगिक के संरचनात्मक सूत्र आपको बताना देखिए प्रोपे टू आल यानी प्रोपेन टू आल का संरचनात्मक सूत्र बनाइए या इसके अलावा टू हाइड्राक्सी प्रोपोनिक अम्ल के बारे में आपको संरचनात्मक सूत्र बनाना है इसके अलावा ख देखिए उदाहरण सहित खनिज अब अयस्क में आपको क्या करना है स्पष्ट करना है कि खनिज क्या होता है अयस्क क्या होता है देखिए भूपरपट्टी के अंदर से जितने भी पदार्थ पाए जाते हैं खनिज कहते हैं और खनिज से अब धातु का जो निष्कर्षण करते है, वो कर हैं वह यश कहलाते हैं ठीक है ये टोटल दो नंबर का इसी प्रकार से आपको स्पष्ट करना रहता है अब देखिए अगला प्रश्न आपका क्या है जितने भी प्रश्न बता रहे हैं इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा ठीक है आपको बोर्ड के एग्जाम हो चाहे प्री बोर्ड का एग्जाम हो सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये पेपर है ठीक है देखिए सतवा नंबर का क्या है कि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखी है देखिए टोटल कितने नंबर का है छः नंबर का है तीन प्रश्न पूछा प्रत्येक दो दो नंबर का प्रश्न है ठीक है पहला है कि कार्बनिक यौगिकों में युगात्मक अभिक्रिया क्या होता है योगात्मक अभिक्रिया के बारे में आपको बताना है इसके अलावा सूचक क्या होता है हाइड्रोकार्बन का आई पी नाम आपका लिखना है ठीक है इस प्रकार से क्या करना है कि टोटल छः नंबर का रहेगा अथवा हम देखिए धातु की सक्रियता के क्या होता है इसके बारे में हाइड्रोजन से अधिक सक्रिय एवं दूसरा कम सक्रिय एक एक धातु का नाम लिखना है टोटल छः नंबर का प्रश्न रहेगा देखिए हाइड्रोजन से अधिक सक्रिय पूछता है तो जिंक हो गया सोडियम हो गया ठीक है जिंक हुआ सोडियम हुआ हो, हो गया ये हाइड्रोजन से ज़्यादा सक्रिय होते हैं हाइड्रोजन से जब कम सक्रिय होते हैं वो होता है कापर होता है ए जी होता है ए यू होता, होता है ये सब बताएं आप सभी को आप डिटेल में पूरा बताएं आप इन प्रश्नों को जरूर वहाँ से देख के तैयार कर लीजिएगा देखिए अब यहाँ से आठवां नंबर का जो प्रश्न है पुष्प के बीजांड का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए टोटल चार नंबर का ग्रीन हाउस प्रभाव पर टिप्पणी लिखिए टोटल चार नंबर का अनुमानसिकता को परिभाषित कीजिए इसकी खोज कब और किसने किया टोटल चार नंबर का प्रश्न है इसके अलावा प्रश्न तैयार करना है कि उत्सर्जन किसे कहते हैं मनुष्य में ब्रिक की संरचना को नामांकित चित्र के द्वारा समझाना है आपको टोटल छः नंबर का अगला है कि नामांकित चित्र की सहायता से नर जनन तंत्र का वर्णन करना है टोटल छः नंबर का यहाँ भी जितने भी प्रश्न बताएँ इन प्रश्नों को आप जरूर तैयार करके जाइएगा ठीक है इसी प्रकार से प्रत्येक जो प्री बोर्ड का एग्ज़ाम हो चाहे आपका एनअल जो वायरल पेपर एक प्रकार का है जो बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाला है उस सभी पेपरों को आप सभी को हल करा रहे हैं यदि आप सभी पेपरों को अभी तक नहीं देखे हैं तो प्ले से जा के सभी पेपरों को आप देख सकते हैं ठीक है तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें